नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज शुरुआत करेंगे हाउ टू मेक फिक्स एलईडी सर्कल 10x30। ठीक है, आज शुरुआत करेंगे कि 10x30 का सर्कल कैसे बनाते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर से वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो में आप एंड तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने 2x2 में 10x30 का फिक्स एलईडी स्ट्रिप सर्कल बनाया है। ठीक है, फिक्स एलईडी स्ट्रिप से सर्कल कैसे बनाते हैं इस वीडियो में बात करेंगे, और इसमें क्या क्या यूज होता है इस वीडियो में बात करेंगे, पूरी फुल डिटेल में बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है। पूरा कनेक्शन वायरिंग करके आपको बताएंगे और इसमें क्या क्या यूज होता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं हमारे हाथ में ये फिक्स एलईडी कंट्रोलर है 10x30 का एस टाइप। ठीक है, और आपको बता दें कि इसके लिए पावर की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास 300 एलईडी पावर एडाप्टर है, इसको लगाएंगे ये हमारा वर्क करेगा, 10 एम्पीयर का है। ठीक है, और आपको बता दें कि हम सर्कल बना रहे हैं फिक्स एलईडी स्ट्रिप का, तो हमारे पास ये फिक्स एलईडी स्ट्रिप ये हमारी 5 मीटर की होती है। ठीक है, इसमें टोटल 300 एलईडी है। और आपको बता दें कि पावर के लिए नेगेटिव के लिए हम ब्लू कलर की बार यूज करेंगे, और पॉजिटिव के लिए पिंक कलर की, और हमारा डाटा के लिए ग्रीन कलर की बार यूज करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि बनाना किस में है। बनाने के लिए 2x2 की सीट में बनाएंगे, ये हमारे पास 2x2 की प्लाई की सीट है, तो इसमें हम लोग बनाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये 2x2 की प्लाई की सीट है, तो इसमें बनाएंगे। इसमें हमने ब्लैक कलर का रखा है। ठीक है, और इसके लिए आपको इसमें सोल्डरिंग करने के लिए कहिया की आवश्यकता पड़ेगी, और रांगा की पेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और रांगा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपको जो जो चीज की आवश्यकता पड़ेगी हमने वीडियो के डिटेल में बता दिया। अब इसका इसमें 10x30 का सर्कल बनाएंगे और इसकी वायरिंग करके दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, और इसमें जो भी डिजाइन डली है एक नंबर डिजाइन डली है, आपको डिजाइन भी अच्छी मजा आने वाला है। और आपको फिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको कंट्रोलर जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखना इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, और इसको काटते कैसे हैं। काफी लोग कटिंग करने में गलती करते हैं, तो इस वीडियो में कटिंग भी बताएंगे कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एलईडी स्ट्रिप की काफी लोग गलती कर देते हैं, और चिपका के भी बताएंगे आपको। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि इसे हम लोगों ने पहले बीच में सर्कल खींचा है। ये हमारा सर्कल टोटल 10 इंची का है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें हम लोगों ने निशान लगा रखे हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे निशान लगा रखे हैं, एक एक इंच पे निशान लगा रखा है। ठीक है, तो आप वो इस प्रकार निशान लगाना है। अब जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है, अब इसको 10-10 करके इसको कट करेंगे। कट करने का तरीका भी बताएंगे आपको। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास ये स्ट्रिप है। ठीक है, तो इसमें एक एरो का आप लोग देख रहे हो, इस तरफ एरो का दिया है, नीचे की ओर हमारा डाटा यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको कट करेंगे। कट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे 10 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो आपको यहाँ से इसको कट कर देना है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कैंची की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे 10 यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरह। ठीक है, हमारे 10 पे कट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह आपको काटना है। हमारे 10 पे कट हो गया, इसी तरह आपको सारी काट लेना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे ये कट हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे टोटल 30 लाइन हो गए हैं, हमारे 10 एलईडी की 30 लाइन। अब इसको पहले चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में एंड तक बने ना, आपको इसमें मजा आने वाला है, और इसमें डिजाइन भी एक नंबर डाली है। आप लोग एंड तक देखना इस वीडियो को। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि हमने इसमें पूरे में हमारी एलईडी स्ट्रिप चिपक गई है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एक चीज याद रखना कि कैसे लगाना है, इसको लगाने का तरीका भी होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा डाटा यहाँ से इनपुट हुआ, फिर यहाँ से इस साइड से एस बनता गया, यहाँ से आया इस साइड से, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, इसी तरह से। अब इसकी वायरिंग करके बताएंगे आपको। वायरिंग करने के बाद फिर कंट्रोल लगाएंगे, पावर सप्लाई लगाएंगे,
फिर इसको जलाएंगे। इसमें एक नंबर डिजाइन है, आप डिजाइन भी देखना, आपको मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया। अब इसमें पहले बात करते हैं वायरिंग कैसे की हमने, ठीक है। तो वायरिंग यहाँ से हम लोगों ने ऊपर की ओर गए, फिर से नीचे की ओर आए, फिर ऊपर की ओर गए, फिर नीचे की ओर आए, हमारा एस टाइप कनेक्शन है, ठीक है। तो एरो दिख रहा होगा, इसमें एक एरो होता है स्ट्रीम में, तो आपको ऊपर गया, फिर एक हमने सीधी लगाई, एक उल्टी लगाई, ठीक है, जब ये आपका कनेक्शन एस टाइप हुआ है, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हम लोगों ने दिया है, जो हमारा ब्लू कलर का है वो नेगेटिव है, वो जो हमारा पिंक कलर का है वो पॉजिटिव है, और जो ग्रीन कलर का है वो डाटा है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने कंट्रोलर कहाँ लगाया, तो कंट्रोलर हमने इसके पीछे लगाया, ठीक है, कंट्रोलर हमारा पीछे लगा है। यहाँ से आपको बता दें कि हमारा माइनस प्लस में ये जुड़ा है, और ये हमारा डाटा का वायर है। दोस्तों अब कनेक्शन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अब आपको बताएंगे कि इसकी डिजाइन कितने अच्छी डिजाइन डाली है इसमें, आप लोग वीडियो में अंत तक देखना। इसमें डिजाइन टोटल एक नंबर डाली है, एचडी डिजाइन आपको मिलेगी, ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना।
Thank you.